फ्रेंड्स, मैं हूं रुतु सावंत और आप सभी का रुतु म्यूजिक लवर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। म्यूजिक फील्ड में दो तरीके हैं जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कैसा पैसा कमा सकते हैं ये मैं पूरे ये वीडियो में बताने वाला हूँ। अंत तक ये वीडियो में आप जुड़े रहिए गाइस। सो फ्रेंड्स, आज का जो पेंडेमिक या कोरोना का सिचुएशन है उसके वजह से बहुत सारे म्यूजिक रिलेटेड जो फील्ड्स है लाइक कराओके स्टूडियोज है या बहुत सारे सिंगर्स है जो फ्रीलांस करते हैं या रैपर्स है, उनका इनकम पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि शोज ही नहीं हो रहे हैं। शोज हो ही नहीं रहे तो उनको इनकम कैसे जनरेट होगा दोस्तों। तो बहुत ही आर्टिस्ट जो है वो बहुत ही बुरे हालात से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, ये दो ट्रिक्स उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। ये जो दो ट्रिक्स है आज मैं ये वीडियो में उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। क्योंकि कैसा रहता है दोस्तों, आपको ये जो फील्ड है ये बहुत बड़ी फील्ड है, म्यूजिक फील्ड है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें सिर्फ सिंगिंग या म्यूजिक या रैप करते हैं या रैप करना या कीबोर्ड प्ले करना इतना ही लिमिटेड नहीं है। आपको ये फील्ड में आपको अच्छा खासा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन है, एक साल तक तो शोज वगैरह आउटडोर शोज तो बंद ही है दोस्तों, इंडोर के लिए रिस्ट्रिक्शन है। फिर कैसा इनकम जनरेशन तो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। बहुत सारे कराओके स्टूडियोज हैं जो कि अभी इस सिचुएशन में बंद हो चुके हैं दोस्तों। तो कैसा रहता है, ये जो सिचुएशन है या ये पीरियड है उसमें आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कीजिए। ये जो दो टेक्निक है अगर उसके ऊपर आप काम करोगे तो इन फ्यूचर कोरोना जैसी पेंडेमिक आ गई फिर भी आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो गाइस। तो दोस्तों, जो दो तरीके हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका है, आपको टेक्निकल नॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या रहता है टेक्निकल नॉलेज दोस्तों, अगर आपको म्यूजिक के बारे में बेसिक भी जानकारी रहेगी तो इजीली आप टेक्निकल नॉलेज गेन कर सकते हो दोस्तों। दूसरा रहता है खुद का सेटअप। जैसे आप पीछे देख रहे हो या हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो आप दोस्तों, मेरा जो सेटअप है, हमारे दो स्टूडियो है, एक है कांजूर मार्ग में, एक है घाट को ऊपर में, उसका सेटअप आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आपने अभी स्क्रीन पे हमारा सेटअप देखा रहेगा दोस्तों। ये जो सेटअप है वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का सेटअप है। आप भी इसी तरह का सेटअप आपका बना सकते हैं, आप ले सकते हो दोस्तों। आप होम सेटअप भी बना सकते हो, उसके लिए आपको बजट भी कम लगेगा, बट उसके वजह से भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हो दोस्तों। ये जो सेटअप है इसको ऑपरेट कैसा करने का, दो तरीके हैं ऑपरेट करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको टेक्निकल नॉलेज है वो गेन करना पड़ेगा जिससे आप ये सेटअप ऑपरेट कर सकते हो। सेटअप में क्या क्या चीज़ें आती है, ये जो डिटेल जानकारी है इसकी अगर आपको चाहिए रहेगी जानकारी तो आप मुझे, आपके स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उसमें DM कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में आप डाल के मुझे बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। सो गाइज, ये जो टेक्निकल नॉलेज है और सेटअप है ये दो चीज़ें सीख के गाइस आप
खुद म्यूजिक बना सकते हो, खुद म्यूजिक अरेंज कर सकते हो, म्यूजिक को कंपोज कर सकते हो, फॉली कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो म्यूजिक रिलेटेड है वो आप खुद बना सकते हो, खुद क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। अगर इसी तरह है आप खुद का जो कंटेंट है वो बनाना सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। गाइस कैसा रहता है, अगर म्यूजिक है, म्यूजिक से सिर्फ आप सिंगिंग कर रहे हो, कीबोर्ड प्ले कर रहे हो या सिर्फ तबला प्ले कर रहे हो, इससे नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो म्यूजिक है वो एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, सब जन अपडेट हो रहे हैं सब जन, तो आपको भी अपडेट होना जरूरी है दोस्तों। कैसा रहता है, अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो दुनिया से पीछे रह जाओगे दोस्तों। अगर आपको सबके आगे बढ़ना है, आपको सबके आगे जाना है, सच में आपको करियर बनाना है, तो दोस्तों ये जो टेक्निकल नॉलेज है और खुद का सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में खुद का सेटअप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम बजट में खुद का सेटअप आप कैसे बना सकते हो ये बताने के लिए हमने ये चैनल तो है ही, मैं भी हूँ, आप व्हाट्सअप, जैसे कि मैंने कहा व्हाट्सअप पे आप DM कर सकते हो मुझे, मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, अच्छी तरीके से मैं गाइड कर सकता हूँ दोस्तों आप सभी को। आप अगर बिगिनर्स हो तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, बट आपको म्यूज़िक में कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी आप में चाहिए, तभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए म्यूज़िक में एंट्री कर रहे हो या म्यूज़िक सीख रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों और कुछ जानकारी, अच्छी अच्छी जानकारी आपको अगर चाहिए रहेगी तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आपको चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए दोस्तों। इसी तरह ये जो वीडियो है आपको अगर अच्छा लगा रहेगा तो दोस्तों कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों जो भी आपके फ्रेंड से भाई है या बहन है जो म्यूज़िक रिलेटेड है, म्यूज़िक फील्ड से है, उनके तरफ या उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आज इतना ही, गुड बाय, थैंक यू सो मच।